सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा पाठ दो, जिसका नाम है बुद्धिमान वर्षा की, जिसमें एक बच्ची है जिसकी की बुद्धिमानी और की बारे बुद्धिमानी के बारे में बात किया गया है कि कैसे उसने एक चतुराई से एक चोर को उसके जो चोरी करने आया था उसको क्या कर दिया, भगा दिया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं उसने कैसे किया। सिग्नल के पास पुलिस वाला खड़ा था, कोई पुलिस था जो सिग्नल के पास में खड़ी हुई थी। वह उसके पास गई और उससे बातें करने लगी। वर्षा उसके पास गई पुलिस वाले के पास और उससे क्या करने लगी, बातें करने लगी। पीछा करने वाला व्यक्ति डरकर भाग गया। अब जो आदमी उसका पीछा कर रहा था दुकान से, उसने देखा कि ये तो पुलिस वाले से बात कर रही है, तेरी शिकायत भी कर रही होगी, इसलिए वो डर गया और वहां से भाग गया। वर्षा भागती हुई पाठशाला पहुंची। अब वर्षा कहाँ गई, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल में पहुंची। उसने देर से पहुंचने के लिए अध्यापक से क्षमा मांगी, क्योंकि वो लेट हो गई थी, इसलिए उसने अपने टीचर से, अपने अध्यापक से सॉरी बोला या क्षमा भी मांगी। वर्षा ने मध्य अवकाश के समय, मध्य अवकाश मैंने बताया था आपको कि जो आपका लंच का टाइम होता है उसको मध्य अवकाश बोलते हैं, तो मध्य अवकाश के समय सहेलियों को उस घटना के बारे में बताया, कि उसने बताया अपनी दोस्तों को कि आज उसके साथ सुबह क्या हुआ था। उसने यह भी बताया कि वह जानबूझकर पुलिस वाले के पास रुकी। उसने बताया कि वो जानबूझकर पुलिस वाले के पास रुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि चोर को ऐसा लगेगा कि वो पुलिस से उसकी शिकायत कर रही है, और उससे समय पूछा। अब चोर को तो क्या लगा कि ये मेरी शिकायत कर रही है, लेकिन वर्षा ने पुलिस वाले से सिर्फ समय पूछा था। उसने सोचा था कि वह पुलिस वाले को पीछा करने वाले उस आदमी के बारे में भी बताएगी, लेकिन पर वह तो पहले ही जा चुका था, वो तो पहले ही डर गया उसके बताने से पहले ही। सबने बुद्धिमान वर्षा की तारीफ की। अगर वो नहीं रुकती तो हो सकता है कि वो वर्षा से उसके पैसे लूट के ले जाता, लेकिन वो तो बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और चोर को वहां से भगा दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हम वो क्या है, मार्ग में चलते समय हमें सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी कभी भी हमारे साथ लूट पाट कर सकता है या हमारे सामान को छीन सकता है, इसलिए जब भी आप कहीं जाते हैं, बाजार में जाते हैं या भीड़ भाड़ वाली किसी भी जगह पर जाते हैं बच्चों, अगर आपके पास सामान है तो अपने सामान को सावधानी के साथ और संभाल कर रखिए। तो इसका अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।